नमस्कार दोस्तों, एनजीआईटी के ऑफिशियल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के बारे में, जिसके आते ही कई शहरों में इसका विरोध होना शुरू हो गया है। बिहार के आरा, बक्सर जैसे कई शहरों में छात्रों ने इसका कड़ा विरोध किया है। बक्सर में ट्रेन रोकी तो आरा की सड़कों पर टायर जलाकर इसका विरोध दर्ज करवाया। युवाओं की चिंता इस बात को लेकर है कि उनका भविष्य सिक्योर नहीं है, क्योंकि जो 4 साल की नौकरी करने के बाद उनकी आगे की पढ़ाई कैसे होगी, यानी जो 12th करने के बाद सेना में जाएंगे वो तो आपको 3-4 साल उसी में चले जाएंगे, तो उसका जो ग्रेजुएशन है वो नहीं हो पाएगा। और जो युवाओं की इस बात की मांग है कि इस योजना में कोई पेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पेंशन नहीं मिलेगा। नेताओं का भी ये होता है कि उनका भी अगर कोई एक नेता जीत जाता है तो उसका जो 5 साल के लिए सिक्योर हो जाता है कि वो 5 साल तक अब वो रहेगा, और एक बार जो कोई नेता सांसद बन जाता है तो उसकी सांसद यानी पेंशन जीवन भर उसको मिलता है। जबकि इसमें है कि जो युवा हैं 4 साल तक आपका देश सेवा में आपका देने देश सेवा करने के बाद भी उन लोगों को आपका पेंशन नहीं मिलेगा। तो वही कह रहे हैं कि नौकरी के लिए सिर्फ 4 साल क्यों, जबकि नेताओं को 5 साल मिलता है। और इस योजना का क्या असर पड़ेगा ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ये अग्निपथ स्कीम है क्या और इसका इस पे बवाल क्यों मचा हुआ है। तो जानते हैं कि अग्निपथ योजना है क्या। देखिए, तो अग्निपथ के तहत सेना में युवाओं को 4 साल तक काम करने के लिए मौका मिलेगा। इसमें ज्वाइन करने वाले 25% युवाओं को बाद में रिटेन किया जाएगा, यानी 100 में से 25 लोगों को पूर्णकालिक सेवा का मौका मिलेगा, यानी जो 100 में से 25 कैंडिडेट जो होंगे वो परमानेंट के लिए हो जाएंगे, जबकि उसमें से 75 कैंडिडेट को 4 साल बाद सेवानिवृत्त यानी रिटायर कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस योजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश की सुरक्षा मजबूत होगी। रक्षा मंत्री ने युवाओं के अग्निवीर बनने की अपील की है। अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद रिटेन किए गए 25% सैनिकों को कहा जाएगा, यानी कि जो 100 में से मान चलिए 100 में से जो 25% जो परमानेंट होंगे उन सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ की कुछ खास बातें क्या है देख लेते हैं। भर्ती होने की उम्र इनकी जो है 17 साल से लेके 21 साल के बीच होनी चाहिए। जो शैक्षिक योग्यता होगी वो 10th से 12th पास होनी चाहिए। भर्ती 4 सालों के लिए होगी। 4 साल बाद सेवा कार्य में प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन होगा और 25% लोगों का नियमित किया जाएगा, यानी 25% जो रहेंगे सैनिक उनको परमानेंट कर लिया जाएगा। 4 साल बाद नियमित होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा, यानी जो 25% जो परमानेंट होंगे वो आपको उनको उन सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। पहली साल की सैलरी जो होगी प्रति महीने आपको 30,000 रुपये मिलेगी, जबकि चौथे साल में आपको 40,000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। तो इसमें अगर मृत्यु क्षति हो जाती है यानी कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर मिलेगा, और सेवा के कारण हुई मृत्यु पर 44 लाख रुपये की अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी, और सेवा निधि सहित 4 वर्षों तक सेवा न किए गए हिस्से का भुगतान भी मिलेगा। अब देखते हैं विकलांगता पूर्व क्षतिपूर्ति। जितनी फीसदी अक्षमता चिकित्सा अधिकारियों द्वारा घोषित उतना मुआवजा, यानी कोई जितना विकलांग होता है सेवा में रहते हुए तो उस हिसाब से उसको मुआवजा दिया जाएगा। 100%, 75% या 50% अक्षमता के आधार पर 44, 25 या 15 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी। इस योजना में भूतपूर्व सैनिकों का क्या कहना है, आइए उनकी राय जान लेते हैं। इसमें सशस्त्र बलों के भूतपूर्व सैनिकों ने अग्निपथ योजना का मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त विनोद भाटिया ने कहा है कि अग्निपथ योजना टूर ऑफ ड्यूटी है जिसे बिना जांच परख सीधे कार्यान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना से साल दर साल लगभग 40,000 युवा अग्निवीर होंगे, यह अच्छा विचार नहीं है, इसमें किसी को फायदा नहीं होगा। वहीं ग्रुप कैप्टन सेवानिवृत्ति नितिन वेल्डे ने कहा है कि इस योजना का आलोचना या सराहना करना जल्दबाजी होगी, यानी इसका देख सकते हैं कि जगह जगह पे आपको इसकी आलोचना भी देखने को मिल रही है। ठीक, और इसके जो युवा हैं युवा पीढ़ी खासकर जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे उनमें इस भारी रोष देखने को मिल रहा है, जो कई जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और मतलब इसके खिलाफ हैं, क्योंकि वो जो सेना में जाने का सपना देख रहे थे उनका टूट चुका है, क्योंकि जो 4 साल सिर्फ 4 साल करने के बाद उनको सेना से बाहर कर दिया जाएगा।
जो जबकि हम लोग देख सकते हैं कि गांव में बच्चे जो ज्यादा सेना की तैयारी करते हैं और उनका ही सपना रहता है कि हम जीवन भर मतलब अपना इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़ कर वन रैंक वन पेंशन के नाम पर वोट मांगा था और आज नो रैंक नो पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तमाशा ही नहीं देंगे। ये फैसला सही है गलत है होना चाहिए नहीं होना चाहिए आप हमें कमेंट में बताएं। बाकी और जैसे ही इसका अपडेट आता है फार्म से रिलेटेड या और भी कोई भी अपडेट आता है और इसका योजना के बारे में कुछ भी होता है तो हम आपको बताएंगे, ताकि सारी अपडेट से खबरों से आपको अपडेट रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी और भी जैसे भर्ती आती है उसके लिए आपको अपडेट करेंगे। धन्यवाद। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप, एग्रेसिव होने की क्या बात, जान दे देंगे इसके लिए।